दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि वर्कआउट करने का हमको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे जॉइंट्स को, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे आज का हमारे वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि हम वर्कआउट के बारे में बता के आपको हम बोर कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक ये है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्कआउट करने के बाद हम ऐसा क्या खाएं कि हमारे शरीर को वो लगे और सोने पे सुहागा हो जाए, है ना। क्योंकि इफेक्टिवनेस वो तभी रहेगी कि जब आप एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट भी ले रहे हो, तो ही आप अपने शरीर से डिमांड करो कि आपको एक अच्छी मसल ग्रोथ मिलेगी या आपके अंदर एक तगड़ी वाली स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको चार मील बताने वाला हूँ। दो रहेंगे हमारे वेजिटेरियन मील और दो रहेंगे हमारे नॉन वेजिटेरियन मील। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो आज का जो वीडियो है ना, ये उन भाइयों के लिए जो फिटनेस के लिए जिम कर रहे हैं जैसे कि मैं, जिनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, है ना। ये उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने खाने में ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है, पाबंदियाँ रखनी पड़ती है, जो कि फिटनेस वालों के लिए कतई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फिटनेस के लिए जिम कर रहे हैं, जिनका टारगेट अपने आप को फिट करना है, एस्थेटिक लुक को मेंटेन करना है। तो बहुत ज़्यादा विलंब करते हुए नहीं, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ यार, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमेशा कि वहाँ पर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार। तुम्हारा भाई कम से कम ग्रो करेगा तो आपको भी तो अच्छा लगेगा, आपके लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएगा। मैं देख रहा हूँ मोबाइल से अपनी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक माइक नहीं ले पा रहा हूँ चक्कर में। तो जल्दी से जल्दी अपने भाई को आप प्रमोट करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो लेके चल रहा हूँ आपको मैं किचन की तरफ, जहाँ पे बता के दिखाने वाला हूँ चार मील। चलते हैं मेरे किचन की तरफ। ये रहा हमारा पोस्ट वर्कआउट मील का पहला ऑप्शन, जिस पर मैंने तीन चीज़ें ली हैं, गेहूं का दलिया, बॉयल एग्स और रात की भिगोई हुई अंजीर। अब गेहूं का दलिया को मैंने बना रखा है देसी घी में, गाय के दूध में और खांड में। मैंने यहाँ पे खांड को यूज़ किया चीनी की जगह पे, क्योंकि चीनी ना बहुत रिफाइन होती है, उसको वाइट करने में केमिकल यूज़ होते हैं जो कि हैजार्डस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो। बाकी दो अंडे मैंने बॉयल ले रखे हैं, आप अपने बजट के अनुसार इसको प्लस भी कर सकते हो। रात को भिगोई अंजीर खाने के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका वेट बढ़ाने में मदद करता है, यूरिन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आपको होती है उसको कम करता है, आपको सेक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसको ये ठीक करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, आपके हार्ट को ये हेल्दी रखता है और आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और चौथी चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हो वो है कोई भी फ्रूट्स, जैसे एप्पल या फिर ऑरेंजेस। मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे तो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो ये रहा हमारा मील नंबर वन। ये रहा हमारा मील नंबर दो, जिसमें मैंने पहले की तरह लिया है गेहूं का दलिया, साथ में मैंने लिए हैं मिक्स नट्स जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता। इसके अलावा मैंने लिया है इसमें मिक्स सीड्स, जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं। उसके अलावा मैंने इसमें लिए मिक्स बेरीज टेस्ट के लिए। तो ये आपका एक कम्प्लीट मील हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए। पहले वाले में मैंने अंडे ऐड किया था तो वो नॉन वेजिटेरियन के लिए है, और ये वाला जो मील है हमारे वेज जो भी भाई हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगली मील को बनाने के लिए हम चल रहे हैं कुशागर के पास। कुशागर क्या बना के दिखाओगे तुम? आज मैं पीनट बटर सैंडविच बना रहा हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, पीनट बटर और एक टोस्टर। टोस्टर हमने ये रखा है, इसको भी हम ऑन कर देंगे जैसे ही वो बनाएगा, ठीक है। तो चलो बना के दिखाओ फटाफट। अपनी तरफ से मैं इसमें एक ऐड कर रहा हूँ, वो है बनाना शेक विद काजू, ठीक है। तो दूध के साथ बनाना और आप काजू को मिक्स करके बनाओगे बनाना शेक विद काजू, साथ में ही पीनट बटर सैंडविच है। पीनट बटर से आपको मिल जाएगा प्रोटीन और फैट। कुशागर ने कुछ इस तरह प्रिपेयर कर दिए पीनट बटर अपना, हम इसको ऑन कर लेते हैं। तब तक टोस्टर को ऑन करके हमने इसमें सिंपल इसको बेक कर लेना है, दो से तीन मिनट इसमें लगेंगे हमको इसको प्रिपेयर करने में। हमारी ग्रीन लाइट जल गई है, इट मीन्स कि हमारी सैंडविच रेडी है, देखिए गरम गरम। मैंने इस पर चार ब्रेड लिए हैं और करीब दो टेबल स्पून पीनट बटर लिया है। ये साथ में मेरा है आपका बनाना शेक विद काजू, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा तीसरा मील ये है, जिसको आप अपने वर्कआउट करने के बाद एंजॉय कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा बीच में पॉज करके मैं अभी आया हूँ चिकन लेने के लिए। चिकन लेने की जो मेरी फेवरेट शॉप है ना वो है, आप देखोगे तो जे रोड है, जे रोड का वो वाला एरिया जहाँ पर सरदार जी की दुकान है वो चले जाता है सीधे सुचल दिवाली को, ये रोड आ जाती है सीधे हीरानगर वाली को। तो यहाँ पे हमारे फेवरेट भाई की दुकान है, शुभम करके है ना ये पीछे, तो यहाँ से मैं लेता हूँ। अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो मेरा रेफरेंस आप दे देना इसको भाई को, हमारे वो डिस्काउंट कर देगा आपको। तो ये इसलिए क्योंकि अभी ब्लॉग बनाने के साथ साथ लंच बनाने का समय भी हो रहा है, तो ज़्यादा डिले ना हो जाऊँ करके पहले साथ में ये लेने आया हूँ।
कदम बढ़ाते हैं हमारे चौथे मिल की तरफ जो कि है, आपको देख के समझ में आ जाएगा, दो मैंने अंडे पूरे लिए हुए हैं। ये शिमला मिर्च, गाजर, प्याज आप अपने सहूलियत के हिसाब से वेजीज ऐड कर सकते हो। दो मैंने ब्रेड लिए हैं, ये वाइट सॉल्ट है। सीधे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसमें जो भी चीज़ें सब डाल दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैंने सब डाल दिया। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दे रहा हूँ मैं, स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर दो उसमें। ठीक है, शायद फटाफट जल्दी आओ, आप फटाफट फटाफट जल्दी गिरा नहीं था। बच्चों को भी बनाना सिखाएं आप, जिससे कल के दिन मान लो आप नहीं हो घर पे तो वो अपना खाना कुछ बेसिक तो बना पाए। ठीक है, फैट किया ना, अभी पैन में गर्म करते हैं तेल। ठीक है, ऑयल हो गया अभी हमारा गर्म। कुशाक आराम से डालो बेटा, आराम से डालो। हाँ, नीचे से डालो, नीचे हाथ पे डालो, नीचे हाथ पे डालो। हाँ डालो, इधर इधर डालो, डालो उसमें डालो। हमने उसको आँख हल्की करके चम्मच में डालना, चम्मच में डालना, आराम से उसको हम फैला देंगे। ठीक है, ये हमने फैला दिया। अभी साथ में आपको बताऊँ कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, ये मेरा बन रहा है चिकन आज, और इसमें मेरा राइस। अब जो ये फैला है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे आराम से ब्रेड। एक ब्रेड ऐसे रख दी हमने, एक ब्रेड ऐसे रख दी। अब इसको आराम से सिकने दीजिए, जल्दीबाजी करेंगे पलटने पलटने में ना तो वो टूट सकता है। ठीक है, आप इसमें टेस्ट के लिए, जैसे मैंने बनाया चिकन, चिकन में मैं डाल रहा हूँ अभी ऊपर से इन्हांस करने के लिए, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, इसको जैसा बैटर में जितना अच्छा बना सको यार, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स सब डाल सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मसाले खाने में कोई बुराई नहीं है। तो इसमें चेक करते रहें साइड साइड से कि एक प्रोडक्ट में डाल हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, इधर से पक गया है, इधर से हो गया है, इधर से भी हो गया है। ठीक है, तो खैर पलटने को तैयार। पटा रे पटा 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 आराम से। 3, 2, 1 एंड जिस दिन वीडियो बनानी होती है ना उस दिन का हार होता है, बाकी और दिन पड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, समझ में आना चाहिए बस। तो सरीका हमारे वेजीज हैं, अपने को सेकना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मील नंबर चौथा नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। साथ आप इंजॉय करोगे एक गिलास दूध। ठीक है, तो जिससे कि आप खाओ, आपको लगता है ना कि यार ड्राई ड्राई हो रहा है, सूख रहा है करके, तो उसका अच्छे से सेक लो। सेकने के बाद आप इसको इन्जॉय करो एक गिलास दूध के साथ। ठीक है, अब पलटना ऐसा पलट गया, ऐसे नहीं पलटेगा ना, मैंने पहले पलट दिया वो, ऐसे होना था एक्चुअली। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, ऐसे करके सेक लो अच्छे से, तो ये बन गया हमारा मिल नंबर चार। दर्शकों, ये था हमारा आज का ब्लॉग। बहुत लेंथी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, इस उम्मीद में कि बड़े ब्लॉग को आप देखोगे नहीं, छोटा ब्लॉग तो क्योंकि फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो जैसा मैंने इसमें चार रेसिपी बताई है ना, वैसे मेरे पास बहुत सारी रेसिपी हैं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और वीडियो कैसे आएगी आपके पास, आपको करना पड़ेगा उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा आप, जिससे कोई भी नई मेरी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने भाई को, छोटे भाई को या बड़े भाई को, जो भी आप माने, लाइक करेंगे वीडियो को मेरी, शेयर करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे। इसी उम्मीद में एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आ गए थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।